गुड इवनिंग एवरीबॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तीन गाने यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं और जो है फिल्म का भी लॉन्च हमने देखा, क्या कहना चाहेंगे श्रेया ग्रुप के लिए? बहुत प्यारे सिंगर्स हैं, एक तो बहुत प्यारी मधुर आवाज़ें थी एंड रिफ्रेशिंग गाने थे, बहुत अच्छा लगा. एंड तीन गाने एक साथ तो आई थिंक पीपल विल गेट वैरायटी आल्सो और मज़ा आएगा लोगों को सुनने में, आई एम श्योर. एंड अश्मित जी, सारे कलाकारों को, म्यूज़िक डायरेक्टर को, म्यूज़िक के जो वीडियो डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर्स, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ. आई एम श्योर कि ये गाने बहुत हिट होंगे, हो जाएंगे. और जो उनकी आगे की प्लानिंग है एक फ़िल्म बनाने के लिए, तो ये गाने उसमें यूज़ होंगे, तो डेफिनेटली पिक्चर भी हिट होगी. सो ऑल द बेस्ट टू श्रेय ग्रुप एंड ये आगे मिस्टर हेमंत कुमार जी, टू मिस्टर हेमंत कुमार, ऑल द बेस्ट. हम लोग कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर. थैंक यू. ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड वेरी नाइस ट्रेलर. सो बहुत बहुत मुबारक और ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लक. सर आप टेक ओवर करिए वीर, आइए. थैंक यू, गुड इवनिंग. थैंक यू. देखिए ये हमारे लिए अभी थोड़ा सा नया काम था, तीन एल्बम, इसलिए आज लॉन्च करते समय खुशी भी बहुत हमें हो रही है और अपनी टीम का सहयोग जो मिला. इस एल्बम को बहुत जल्दी हम लोगों ने बनाया, बहुत जल्दी ही लॉन्च किया गया और आने वाले नए कलाकारों के लिए, चाहते तो बड़े कलाकारों से भी इसको गवा सकते थे हम, लेकिन हमने इसमें नए उभरते कलाकारों को लिया है, चाहे सिंगर हो, चाहे करेक्टर हो, चाहे जो भी. बस हमारे पास अनुभवी 10 बहाने फेम पंछी जालौन जी कहाँ गए, पंछी जालौन जी हमारे टीम में हैं और उन्हीं का देन है कि जो ये सब चीज़ बहुत जल्दी होता है. और हमारे एक एडिशनल डायरेक्टर इंटरटेनमेंट की दिशा, ये ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से 3 से 4 साल से जुड़ी हुई हैं और इनका भी अनुभव मुझे काम दिया. मेरा एक्सपीरियंस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया ग्रुप और श्रेया एंटरटेनमेंट, थैंक यू हेमंत सर. और आज मैं जिनकी वजह से यहाँ पे हूँ, संजय सर, वामिक सर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि अगर मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाते तो मैं यहाँ तक नहीं होती. इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग इन अ वेरी ब्लॉकबस्टर. आई होप कि ये सॉन्ग बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा. कीप लव, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच. देखिए जी जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि प्रोफेशनल लोग लेंगे, अच्छे मॉडल्स लेंगे, काम किए हुए लोग लेंगे, लेकिन जब मैंने, सर ने मुझे बताया कि हम लोगों को फीचर करना है, तो एक सेकंड के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि कैसे होगा ये, लेकिन सर जब हम फ्लोर पर गए तो ऐसा लग रहा था कि ये कम से कम 20 वीडियो 50 वीडियो करके आए हैं यहाँ पर. ये इतने इनके अंदर एक्टर, मतलब प्रतिभा जिसको कह सकते हैं दोनों के अंदर, ये दिशा मैम के अंदर और इनके अंदर, सर के अंदर, इन्होंने हर लुक वो मुझे दिया जो वीडियो के लिए रिक्वायर था. ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मैं पहली बार कर रहा हूँ, क्या क्या क्लैशेस होंगे, किस तरह से होगा, लेकिन चलिए करके देखते हैं. लेकिन सर ने एक एक एक्सप्रेशन बिल्कुल वही दिया रिक्वायर्ड और प्रोफेशनल्स की तरह, दोबारा नहीं दिया, फिर बोले इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. देखिए एक्टिंग करने, अभी तक तो हमने एक्टिंग नहीं किया है, जो भी आपको दिखाई दिया वो रियल है. बहुत अच्छी बात, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे सामने कैमरा भी चल रहा है, हमने कैमरा नहीं देखा, क्योंकि अधूरी जिंदगी की जो सॉन्ग है वो हमारे दिल से निकली हुई है. इन्होंने लिखा है, लिरिक्स दिया है, डायरेक्ट किया है, लेकिन दिल से निकली हुई सॉन्ग है. इसमें सर एक बात मैं ऐड ऑन करूँगा, मैंने इससे दिशा मैम से कहा कि आप ऐसा करिए कि यहाँ पर सैड एक लुक देना है आपको, लेकिन आंसू चाहिए मुझे, तो क्यों ना हम लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें, तो
तो इनका आंसर जो था वो सुन के तो मैं एकदम मतलब इन्होंने कहा नहीं वो मेरे नेचुरल आ रहे हैं इस शॉट में, ये तो मैंने बड़े बड़े एक्टर से नहीं सुना, इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं हमारे तरफ से। तो मैं तो लोगों से भी ये कहूँगा कि सब लोग इंकरेज करें, इन वीडियोस को देखें सुनें, और अधूरी ज़िंदगी इंडिया का पहला, अधूरी ज़िंदगी इंडिया का पहला बायोपिक सॉन्ग है, वो बायोपिक फिल्म होती है लेकिन ये बायोपिक सॉन्ग हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, जैसा कि आप सब ने देखा अभी, दिशा ने बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दिए, और हम लोगों को बिल्कुल इतना हमें परेशानी नहीं होना पड़ा जितना हमें ये सुन के हुआ था कि हम इनके साथ शूट करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। नेक्स्ट एल्बम तो हम म्यूजिक एल्बम हर महीने एक दो निकालते रहेंगे, और अपनी मूवी लालच प्यार एक धोखा, इसको 24 दिसंबर 2024 तक रिलीज करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे बीच में शूटिंग करके इसको, और ये रियल स्टोरी है, यानी इसमें कोई भी ऐसी भी चीज़ नहीं होगी जो बनावटी हो। थैंक यू थैंक यू।